मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दायर ईडी चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने 12 जुलाई को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। इस दौरान स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए प्रोडक्शन वारंट किया है। इस चार्ज सीट में ईडी ने आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है। बता दें कि ईडी की ओर से आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने पर आपने प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी किसी भी कीमत पर आपको खत्म करना चाहती है। उन्होंने आगे कहा, केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ी साजिश कर रही है। आज तक ईडी को भ्रष्टाचार का एक पैसा नहीं मिला है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को तिहाड़ जेल के अथॉरिटी से दिल्ली आबकारी नीति संबंधित कथित घोटाले से जुड़े मामलों पर गिरफ्तार मुख्यमंत्री केजरीवाल को जवाब देने को कहा है, जिसने नेता ने अपने वकीलों के साथ डिजिटल माध्यम से अतिरिक्त मुलाकात करने की अनुमति दिए जाने का आग्रह किया है। वहीं जस्टिस नीना बंसल कृष्ण ने जेल अथॉरिटी को जवाब दाखिल करने के लिए 5 दिन का समय दिया है और आगे की सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की है। बता दें कि केजरीवाल ने इसलिए अदालत के आदेश को 1 जुलाई को चुनौती दी थी और केजरीवाल ने निचली अदालत में याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों से हफ्ते में 2 बार अतिरिक्त मुलाकात करने की अनुमति दी जाए। बता दें कि निचली अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया था।